हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं बीएसएससी यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं, जिसमें टोटल 2187 वैकेंसीज़ है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं आप इसे 14 अप्रैल से लेकर 15 मई यानी कि 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आप इसके लिए फ़ी जमा कर सकते हैं और 17 मई तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 540 रुपीज़ और एससी एसटी पीएच कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 135 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। अगर हम इसके क्वालिफिकेशन डिटेल की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल की बात करें तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 880 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस के लिए 207 वैकेंसी, बीसी के लिए 292 वैकेंसी, ईबीसी के लिए 448 वैकेंसी, बीसी फीमेल के लिए 71 वैकेंसी, एसटी के लिए 342 वैकेंसी और एसटी के लिए 7 वैकेंसी, यानी कि टोटल 2187 वैकेंसीज है। आप यहां से अदर डिटेल चेक कर सकते हैं। फिर भी आपको अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी दूसरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हम इसके एज लिमिट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 21 से लेकर मैक्सिमम 37 ईयर्स के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम 40 ईयर्स की फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। मैंने इस ऑफिशियल नोटिस की लिंक प्लस अप्लाई करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डायरेक्टली वहाँ से भी इसे चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी दूसरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से नए नए अपडेट्स ले सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। थैंक यू।